डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है बच्चों, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इस टॉपिक से पहले बच्चों आपने दो टॉपिक पढ़े थे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर थर्ड में। एक तो आपने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, और उसके बाद आपने पढ़ा था डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। और इन्हीं के बीच में आपने एक नया एक और टॉपिक पढ़ा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन। ओके, तो आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो हम मान लेते हैं, लेट एफ वेक्टर बी एनी गिवन डिफ्रेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एफ के बारे में पता लगा बच्चों, एफ क्या दे रखा है आपके पास, एक डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देन द कर्ल ऑफ एफ, अगर एफ कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, देन द कर्ल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय, कर्ल को आप कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, डेल क्रॉस एफ से डिनोट करेंगे, समझ गए ना। कर्ल ऑफ एफ को किससे डिनोट करेंगे, डेल क्रॉस एफ से, डेल क्रॉस एफ एंड ए वेक्टर डिफाइंड एज कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ। और आपको पता है बच्चों डेल के बारे में, डेल क्या होता है, आई कैप के साथ करली बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली बाई करली वाई, और के कैप के साथ करली बाई करली जेड, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है बच्चों, एफ के साथ। ओके, जब आप इस डेल ऑपरेटर को, जब हम इस डेल ऑपरेटर को किसके साथ ऑपरेट करेंगे, एफ के साथ, और बीच में क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, आई कैप के साथ आई क्रॉस करली एफ बाई करली एक्स, जे कैप क्रॉस करली एफ बाई करली वाई, एंड के कैप क्रॉस करली एफ बाई करली जेड, इट इज़ कॉल्ड द कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। ओके ओके, तो थोड़ा नोटेशन का ध्यान रखना है इस चैप्टर में, अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में नोटेशन अलग अलग यूज़ करके कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ग्रेडियंट की बात करते हैं तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, डेल एफ लिखना है, ठीक है। ग्रेडियंट किसका निकलता है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकलता है। अगर आप डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, डेल डॉट एफ वैक्टर आएगा। क्या आएगा बच्चों, डेल डॉट एफ वैक्टर, ये चीज़ ध्यान देनी है। बीच में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आती है। और जब आप कर्ल की बात करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा बच्चों, डेल क्रॉस एफ वेक्टर रहेगा, ठीक है। कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट, और ग्रेडियंट में कुछ भी नहीं, ये चीज़ ध्यान देनी है। और एग्ज़ाम में नोटेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। ओके ठीक है, बात अगर डाइवर्जेंस की चल रही है और अगर आप उसको कर्ल का फार्मूले से निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कर्ल को अगर आप डिटर्मिनेट फॉर्म में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम मान लें कि f वेक्टर किसके इक्वल है, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, तो देयरफॉर कर्ल ऑफ f क्या हो जाएगा आपके पास, i कैप j कैप k कैप के साथ करली बाई करली x, करली बाई करली y, करली बाई करली z, ये डेल ऑपरेटर है, ये f वेक्टर के कंपोनेंट है। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपको क्या देता है बच्चों, कर्ल ऑफ f। बात समझ में आई, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन से f। ओके, ये कहता है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब आपने देखा था बच्चों, डाइवर्जेंस आपने एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकाला था, डाइवर्जेंस में हमने क्या निकालते थे बच्चों, डेल डॉट एफ वेक्टर निकालते थे। ये क्या है बच्चों, एक डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देती है, एक स्केलर क्वांटिटी देती है, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस तो हमें क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है, बट ये क्या है, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगी बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी देगी। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए ना। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर एफ इज कॉल्ड इरोटेशनल, ये कहते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालें, सॉरी कर्ल निकालें,
अगर वो जीरो वेक्टर आ जाता है, यहाँ पर ये जीरो जीरो नहीं है, ये जीरो जीरो वेक्टर के इक्वल है। अगर किसी वेक्टर का जब आप क्या निकालते हैं बच्चों, कर्ल निकालते हैं और उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब वो वेक्टर क्या है आपके पास, इरोटेशनल वेक्टर है। बात ध्यान रखना, अगर डाइवर्जेंस जीरो आ जाए तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोलिनोइडल बोलते हैं, और कर्ल अगर आपका जीरो आ जाता है तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल। बात समझ में आ गई। तो एक नेक्स्ट रिजल्ट है थ्योरम के रूम में, वो क्या कहता है कि एफ कोई भी अगर वेक्टर है, एफ इज़ इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, ओके, एफ इज़ ए डिफ्रेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अगर एफ आपके पास क्या है बच्चों, एक डिफ्रेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो देन कर्ल ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, शो कीजिए कि कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू करली एफ थ्री बाई करली वाई माइनस करली एफ टू बाई करली जेड के साथ आई कैप आ जाए, करली एफ वन बाई करली जेड माइनस करली एफ थ्री बाई करली एक्स के साथ जे कैप आ जाए, और करली एफ टू बाई करली एक्स माइनस करली एफ वन बाई करली वाई के साथ क्या आ जाए, के कैप आ जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये शो करना बहुत ईजी है, आप इस डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे और आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? कर्ल ऑफ एफ के बारे में आपको पता है, कर्ल ऑफ एफ का मतलब है डेल क्रॉस एफ, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के साथ करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई और करली बाई करली जेड, और एफ वेक्टर के कंपोनेंट हैं एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री। ओके, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे बच्चों, आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, करली ऑफ एफ थ्री करली एफ थ्री बाई करली वाई माइनस में आ जाएगा करली एफ टू बाई करली जेड। बात समझ में आएगी ना? इसी टाइप से जे कैप के साथ, माइनस जे कैप के साथ आएगा करली एफ थ्री बाई करली एक्स माइनस करली एफ वन बाई करली जेड। ओके, इसी टाइप से बच्चों के कैप के साथ क्या आएगा, करली एफ टू बाई करली एक्स माइनस करली एफ वन बाई करली वाई। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो इस बीच वाली टर्म में से ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेंगे और बाहर क्या जाएगा बच्चों, प्लस का साइन, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में क्या है बच्चों, सेम है, तो हैंस द प्रूफ। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट थ्योरम नंबर सेकंड हेयर प्रॉपर्टीज़ है कि आपको प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ एफ प्लस जी, कर्ल ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ प्लस में कर्ल ऑफ जी। ओके, दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उन दोनों को ऐड करके उनका कर्ल निकाल लो, या उन दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शनों का अलग अलग से कर्ल निकाल के उनको ऐड करो, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। इसका मीनिंग ये है। ओके, कर्ल ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ प्लस कर्ल ऑफ जी। तो इसका प्रूफ करेंगे, तो मान लेते हैं कि लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, और जी वेक्टर को मान लेते हैं बच्चों जी वन आई कैप प्लस जी टू जे कैप प्लस जी थ्री के कैप। अब इन दोनों को ऐड करेंगे एफ प्लस जी, तो ये बन जाएगा एफ वन प्लस जी वन के साथ आई कैप, एफ टू प्लस जी टू के साथ जे कैप, और एफ थ्री प्लस जी थ्री के साथ क्या जाएगा बच्चों, के कैप। ओके, अब क्या निकालना है हमें इसका, एफ प्लस जी तो निकल गया, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, कर्ल निकालना है, मतलब डेल क्रॉस ऑफ एफ प्लस जी, और वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस एफ प्लस जी इन डिटर्मिनेट मेथड बाय द डिटर्मिनेट मेथड। तो डिटर्मिनेट मेथड में क्या होएगा आपके पास, आई जे के और डेल कंपोनेंट के, डेल के कंपोनेंट करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई और करली बाई करली जेड, और एफ प्लस जी के कंपोनेंट एफ वन प्लस जी वन एफ टू प्लस जी टू प्लस एफ थ्री प्लस जी थ्री। ओके बच्चों, अब इसका क्या निकालेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आपको पता आई कैप के साथ क्या जाएगा, करली बाई करली वाई ऑफ एफ थ्री प्लस जी थ्री माइनस करली बाई करली जेड ऑफ एफ टू प्लस जी टू। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा, माइनस जे कैप के साथ करली बाई करली एक्स ऑफ एफ थ्री प्लस जी थ्री माइनस करली बाई करली जेड ऑफ एफ वन प्लस जी वन। इसी टाइप से बच्चों के कैप के साथ आ जाएगा, करली बाई करली एक्स ऑफ एफ टू प्लस जी टू माइनस करली बाई करली वाई ऑफ एफ वन प्लस
Z1। यहाँ तक समझ में आया? ओके, इसके बाद क्या करते हैं, F वाली टर्मों को एक ब्रैकेट में और G वाले टर्मों को एक ब्रैकेट में। एक तो F के साथ ये टर्म आएगी बच्चों करली F3 बाई करली Y, और एक टर्म यहाँ से आएगी माइनस करली F2 बाई करली Z। ओके, इनको एक ब्रैकेट में रख के इनके साथ I लगा दिया, और इसी टाइप से यहाँ से एक टर्म आएगी F की करली F3 बाई करली X, और एक टर्म यहाँ से आएगी करली F1 बाई करली Z, और साथ में माइनस बाहर है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगी J कैप के साथ करली बाई करली Z ऑफ F1 माइनस करली बाई करली X ऑफ F3। क्लियर है? इसी टाइप से एक टर्म ये आएगी करली F2 बाई करली X माइनस करली F1 बाई करली Y, और जिसके साथ क्या आएगा बच्चों K कैप। ओके स्टूडेंट्स, F वाली टर्मों को एक ब्रैकेट में करके अलग से लिख लिया, G वाली टर्में जो बची उनको एक ब्रैकेट में लिख के उनको क्या कर दिया बच्चों आपने अलग से लिख लिया। ओके, जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्में हैं F वाली जो टर्में हैं वो खुद किसके इक्वल है, ये खुद किसके इक्वल हैं बच्चों डेल क्रॉस F के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? डेल क्रॉस F के इक्वल हैं। बाकी जो टर्में बची हुई हैं जो G की फॉर्म में हैं, अगर उनको हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं या पीछे वाले फार्मूले पर जाते हैं कि डेल क्रॉस जी किसके इक्वल होगा, जब हम डेल क्रॉस जी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख कर एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डेल क्रॉस जी को। तो यही हमें शो करना था कि कर्ल ऑफ F प्लस जी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ F प्लस में कर्ल ऑफ जी। ये आपके पास किसके इक्वल है? कर्ल ऑफ F के इक्वल है, और ये आपका किसके इक्वल है बच्चों? कर्ल ऑफ जी के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑन कर्ल, सम प्रॉपर्टीज़ विच आर बेस्ड ऑन द कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि शो दैट डेल क्रॉस, आप इसको क्या रीड करेंगे? डेल क्रॉस है तो कर्ल पढ़ेंगे, कर्ल ऑफ फाई एफ वैक्टर, कर्ल ऑफ फाई एफ वैक्टर, या मैथमेटिकली आप इसको पढ़ेंगे डेल क्रॉस ऑफ फाई एफ वैक्टर विच इज़ इक्वल टू डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस एफ वैक्टर प्लस में फाई और डेल क्रॉस F। ओके, अगर आप इन्हीं बातों को वर्ड्स में पढ़ना चाहें तो जो फर्स्ट टर्म है ये क्या पढ़ी जाएगी बच्चों? कर्ल ऑफ फाई F, ये क्या पढ़ी जाएगी बच्चों? ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्योंकि डेल और फाई के बीच में ना तो डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई क्रॉस F, और डेल और F के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कर्ल, तो फाई ऑफ कर्ल F। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या कंसंट्रेट करना है? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको सोल्व करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपको राइट हैंड साइड बनती हुई दिखेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कंसंट्रेट किया कि आपको क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए बच्चों? आपको निकालना पड़ेगा डेल क्रॉस फाई एफ निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले हम क्या निकाल लेते हैं? फाई एफ निकाल लेते हैं। तो फाई एफ ईजिली निकल जाएगा, एफ वेक्टर के बारे में आपको पता है कि एफ वेक्टर क्या है आपके पास? F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप। जब इसकी फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा फाई एफ वेक्टर। तो फाई एफ वेक्टर बन जाएगा आपके पास फाई F1 I कैप, फाई F2 J कैप और फाई F3 K कैप। क्लियर है? ओके, तो अब हम निकालते हैं डेल क्रॉस फाई एफ जो हमसे पूछा गया था, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट फॉर्म पे जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पर आई कैप आ जाएगा, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप आ जाएगा। ठीक है, फिर किसके कंपोनेंट आएंगे? डेल ऑपरेटर के। डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट क्या हैं? करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई और करली बाई करली जेड। ओके, और फिर किसके कंपोनेंट आएंगे बच्चों? फाई एफ वैक्टर के आएंगे, और फाई एफ वैक्टर के कंपोनेंट क्या हैं बच्चों? फाई एफ वन, फाई एफ टू और फाई एफ थ्री। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपको पता ही है डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, आई कैप के साथ आ जाएगा करली बाई करली वाई ऑफ फाई एफ थ्री, माइनस में आएगा करली बाई करली जेड ऑफ फाई एफ टू। बात समझ में आ गई? ओके, इसी टाइप से जब आप जे कैप का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा करली बाई करली एक्स ऑफ फाई एफ थ्री माइनस करली बाई करली जेड ऑफ फाई एफ वन। क्लियर है? इसी टाइप से के कैप के साथ आप क्या लिखेंगे बच्चों? करली बाई करली एक्स ऑफ फाई एफ टू माइनस करली बाई करली वाई ऑफ फाई एफ वन। बात समझ में आ गई? आगे सिंपल है,
फाई एफ थ्री का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लो यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो आपने फाई को सेम रखा, एफ थ्री का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो करली एफ थ्री बाई करली वाई हो जाएगा, प्लस में फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, बात समझ में आ गई। इसी टाइप से हम करली बाई करली जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ फाई एफ टू विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, सेम प्रोसेस बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव बीच में प्लस का साइन आएगा लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का साइन बन जाएगा, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके। इसी टाइप से जो सेकंड ब्रैकेट में टर्म है उनको ओपन करके लिखेंगे, जे कैप के साथ ये आ जाएगा। इसी टाइप से जो थर्ड ब्रैकेट में टर्म है इन टर्मों को ओपन करेंगे बाय यूजिंग द डेरिवेटिव रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल, और के कैप के साथ आपके पास बच्चों ये टर्म आ जाएंगे। क्लियर है? आपने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट के डेरिवेटिव को एक्सपेंड करके लिख दिया, तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, आई कैप के साथ ये टर्म, जे कैप के साथ ये टर्म और के कैप के साथ ये टर्म आ जाती है, ओके। अब आप क्या करते हैं, आई कैप के साथ ब्रैकेट में चार टर्में हैं, उनमें से वो टर्म इकट्ठे कर लेते हैं जिनमें से फाई कॉमन आया, ठीक है। इन दो टर्मों में से फाई कॉमन आया, तो फाई कॉमन लेने के बाद आपके पास बच जाएगा करली एफ थ्री बाई करली वाई माइनस करली एफ टू बाई करली जेड। बाकी दोनों टर्मों को आपने सेम रिपीट करके सेम रख दिया, जो भी टर्में थी आपके पास बची हुई उनको वापस लिख दिया, ठीक है। इसी टाइप से इन दो टर्मों में से भी आपने क्या बच्चों, फाई को कॉमन लिया, बाकी जो दो टर्में थी उनको आपने सेम लिख दिया। इसी टाइप से इन दो टर्मों में से भी आपने फाई को कॉमन लिया, बाकी जो टर्में थी उनको आपने बच्चों सेम लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों, ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे, फाई आपने कॉमन लिया, फाई कॉमन लेने के बाद आपके पास जो टर्म है वो बच जाएंगी बच्चों, बच्चों अब क्या है, आपने फाई कॉमन लिया, ये टर्म ये बन जाती हैं, ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो फाई कॉमन है इन टर्मों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनमें से क्या आ रहा है बच्चों, आपके पास फाई कॉमन आ रहा है, तो फाई को तो कॉमन करके आपने बाहर रख दिया, बाकी जो टर्में बची उनको सेम लिख दिया, भी करली एफ थ्री बाई करली वाई माइनस करली एफ टू बाई करली जेड, ये टर्म बचेगी और साथ में इसके साथ क्या बचेगा बच्चों, आई कैप, तो इसको आपने सेम रख दिया, ठीक है। इसी टाइप से जो सेकेंड टर्म है ये वाली टर्म, इसमें आपके पास जे कैप के साथ आ जाएगा करली एफ वन बाई करली जेड माइनस करली एफ थ्री बाई करली एक्स और इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, जे कैप। इसी टाइप से जो थर्ड टर्म है इसमें से भी आपने फाई को कॉमन लिया और टर्म बच जाती है करली एफ टू बाई करली एक्स माइनस में करली एफ वन बाई करली वाई और जिसके साथ क्या आ जाता है बच्चों, के कैप। यहाँ तक समझ में आया, ओके। और बाकी जो टर्में बची हुई थी उनको आपने क्या कहा बच्चों, सेम रख दिया। ये जो टर्म थी फर्स्ट, ये जो टर्म है आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ, इन टर्मों को आपने क्या रख दिया बच्चों, सेम करके रख दिया, ओके। अब आप क्या कंसंट्रेट करते हैं कि ये फाई तो ठीक है सेम है, अब आई कैप के साथ जो टर्म आई आपके पास करली एफ थ्री बाई करली वाई माइनस करली एफ टू बाई करली जेड और जे कैप के साथ टर्म है बच्चों करली एफ वन बाई करली जेड माइनस करली एफ थ्री बाई करली एक्स। इसी टाइप से के कैप के साथ जो टर्म आपने देखी तो वो खुद क्या बनती है बच्चों, वो कर्ल ऑफ एफ के इक्वल है, ठीक है। ये पहले भी आपने निकाल के देखा था कि कर्ल ऑफ एफ आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब आप निकालेंगे तो वो यही बनता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ। तो फाई कैप के साथ जो भी टर्म है उस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ, ओके। अब ये जो टर्म बची हुई है बच्चों, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, इस टर्म को भी हमने ऑब्जर्व करके देखा कि इसको कैसे किस डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ अगर आई कैप जे कैप के कैप लिख दे और यहाँ पर लिख दे करली फाई बाई करली एक्स करली फाई बाई करली वाई और करली फाई बाई करली जेड और इसके साथ क्या लिख दें, एफ वन एफ टू और एफ थ्री, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं बच्चों तो डिटर्मिनेंट आपके पास पूरा का पूरा ये वाली इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बनती है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये आपके पास क्या दिख रहा है, ये दो वैक्टरों की ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब ये भी दो की क्रॉस प्रोडक्ट है, एक तो करली फाई बाई करली एक्स, ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट हैं, ये किस वेक्टर के कंपोनेंट है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ फाई के। पता है आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, आई कैप के साथ क्या होएगा बच्चों, करली फाई बाई करली एक्स, वो वाला ये है। जे कैप के साथ क्या होएगा,
करली फाई बाई करली वाई, वो वाला ये है। और के कैप के साथ क्या होगा बच्चों, करली फाई बाई करली जेड, वो ये रहा, ठीक है ना। तो ये जो करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली वाई और करली फाई बाई करली जेड हैं बच्चों, ये किसके कंपोनेंट हैं, ये आपके पास बच्चों ग्रेडियंट ऑफ फाई के क्या हैं, कंपोनेंट हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ओके, एक तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई है, और जो लास्ट वाली लाइन है एफ वन एफ टू एफ थ्री, ये किसके कंपोनेंट है बच्चों, एफ फैक्टर के हैं। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ फाई और एफ फैक्टर के कंपोनेंट है। ये सेकेंड रो में है, ये थर्ड रो में, तो उनके बीच में क्या आएगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये टर्म आपके पास क्या बन गई बच्चों, फाई के साथ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ क्या आ जाता है बच्चों, एफ वेक्टर। और ये वही टर्म आ जाती है जो हमसे पूछी गई थी, जिसका हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, बाय।